नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामुअलैकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। मैं हूँ सना नजीर। आज हम बनाना सीखेंगे मजेदार सी चना चाट। इसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं: सफेद चने आधा किलो, आलू आधा किलो, पहले से भीगी हुई इमली आधा कप, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें 8 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज बारीक कटी हुई 2 अदद, चाट मसाला 2 टेबलस्पून, नमक हसबे जायका, मीठा सोडा 1 टेबलस्पून, दही 1 पाव, गुड़ या चीनी 2 टेबलस्पून। तरकीब: सबसे पहले चनों को भीगने के लिए रख दें। इसका सबसे अच्छा टाइम रात का है। रात को सोने से पहले आपने एक बर्तन में चने, नमक और 1 टेबलस्पून मीठा सोडा डालकर उसमें पानी भर के रख देना है। सुबह उठने के बाद जो पानी चनों में मौजूद है उसको आपने फेंक देना है और चनों को अच्छी तरह धो लेना है। इसके बाद एक साफ देगची में चनों से दुगनी मिकदार में पानी भरना है और चने इसमें डालकर उबलने के लिए रख देना है। आधे से पौने घंटे में आपके चने उबल जाएंगे। अब आपको जब चने सर्व करने हों तो उससे पहले आप इसकी तैयारी कर लें। इमली के गूदे से गुठलियों को अलग कर लें और दही, इमली और गुड़ को एक साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। अब आप हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज और टमाटर को बारीक काट के एक तरफ रख लें। उबले हुए आलूओं का छिलका अलग करके इन्हें भी बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लें। अब आप एक अलग से पॉट ले लें और उसमें उबले हुए चने, उबले हुए आलू, कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर इसमें डाल दें। चाट मसाला ऐड कर दें और दही और इमली का पेस्ट भी इसमें शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और इन्हें छोटे छोटे प्यालियों या प्लेट में डालकर इसके ऊपर से पापड़ी छिड़क कर इसे सर्व करें। मजेदार चना चाट तैयार है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।